नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद अधिकतर ने लॉकडाउन बढ़ाने का दिया समर्थन। पूरे देश में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का पीएम मोदी कर सकते हैं ऐलान। पंजाब और ओडिशा के बाद महाराष्ट्र ने भी 30 अप्रैल तक बढ़ाया लॉकडाउन। उद्धव ठाकरे बोले, पुणे और मुंबई में गंभीर है हालात। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, लॉकडाउन नहीं करते तो 15 अप्रैल तक 8,20,000 होते मरीज। सही समय पर किया गया लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच राहत की खबर, मेरठ से 19 मरीज इलाज के बाद सही, अस्पताल से भी मिल गई छुट्टी। और बिहार में बीमार सिस्टम की खुल गई पोल, मासूम के इलाज के अभाव में मौत, 7 कर्मचारी सस्पेंड। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए ओडिशा और पंजाब के बाद महाराष्ट्र ने भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि पूरे राज्य में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। 30 अप्रैल के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। सीएम ने जनता के साथ फेसबुक लाइव के दौरान ये घोषणा की है। बता दें कि कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में ही हैं। यहां संक्रमितों की तादाद 1600 के पार हो चुकी है, जबकि 110 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 188 लोग यहां पर ठीक भी हुए हैं। वहीं हरियाणा में अभी तक कोरोना के 177 मामले आए हैं, जबकि 2 लोगों की हरियाणा में मौत हुई है। आणि मग पुढे काय करायचं? 14 नंतर 30 एप्रिल पर्यंत हा लॉकडाऊन राहील, पण 14 नंतर साधारणतः काय करणार ह्याच्या व्यवस्थित सूचना, मग विद्यापीठाच्या परीक्षा आल्या, शाळांच्या परीक्षा आल्या, हे ह्या ह्याच्यावरती काम सुरू आहे। उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत सुद्धा उद्योगधंदे सुरू होणार की नाहीत, झाले तर नेमके कोणते होणार, कधी होणार, मजूर काय करणार, ह्या सगळ्यांची उत्तरं ही तुम्हाला मी 14 तारखेपर्यंत देणार आहे, कारण त्याच्यावरती आपलं काम सुरू आहे। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया है। इसके बाद ये लॉकडाउन आगे बढ़ना अब तय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि 1-2 दिनों में पीएम मोदी इसका ऐलान करेंगे। बैठक खत्म होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पीएम ने लॉकडाउन को बढ़ाने का सही फैसला लिया है। आज भारत की स्थिति कई विकसित देशों की तुलना में बेहतर है, क्योंकि हमने लॉकडाउन समय से कर दिया था। अगर इसे अभी रोक दिया जाता तो लॉकडाउन से जो भी फायदा हुआ था वो खत्म हो जाएगा। वहीं पीएम मोदी के साथ बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक गतिविधियां संचालित करने की इजाजत दी जाए, लेकिन इंटर स्टेट रोड, हाईवे और रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संकट के समय एमएसएमई सेक्टर को बचाने के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग भी की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अधिक से अधिक सैंपल लिए जाने का सुझाव भी दिया है। सीएम बघेल ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित रखी जाएं या ऑनलाइन ली जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से परीक्षण किट की खरीदी के लिए तय की गई गाइडलाइंस में स्पष्ट निर्देश नहीं होने से संशय की स्थिति बनी हुई है। इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की जरूरत है। साथ ही सीएम बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होने के कारण यहाँ हालात बेहतर बने हुए हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी लॉकडाउन कम से कम 2 सप्ताह तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि पाबंदियों से लोगों को काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं, लेकिन भारत कोई जोखिम नहीं उठा सकता। बैठक में मुख्यमंत्री ने पंजाब के लोगों के लिए स्वास्थ्य और राहत संबंधी कई उपाय भी सुझाए। उद्योग और कृषि क्षेत्र के लिए विशेष रियायतें देने को भी कहा। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामले की दर अभी अनिश्चित है और देश को इससे पार पाने की लंबी लड़ाई लड़नी है। चीन और कई यूरोपीय देशों की हालत को देखते हुए बंद बढ़ाने की जरूरत है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर लॉकडाउन ना होता और अगर कोई एहतियात ना बरती जाती तो 15 अप्रैल तक कोरोना संक्रमण के 8,20,000 मामले आ सकते थे।
मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 1035 मामले सामने आए हैं, जबकि 40 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है। देश में अब तक 7447 केस सामने आ चुके हैं और कुल 229 लोगों की मौत हुई है, वहीं 643 लोग ठीक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के लिए भारत की प्रतिक्रिया सक्रिय रही है, हमने एक वर्गीकृत दृष्टिकोण का पालन किया है। देश में कोरोना के लिए 586 अस्पताल निर्धारित किए गए हैं और 1,00,000 से अधिक आइसोलेशन बेड हैं। अब तक की अगर संख्या देखें तो 586 डेडिकेटेड हॉस्पिटल स्टेट ने हमें रिपोर्ट किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलाकर, जिसके द्वारा करीब 1,00,000 प्लस बेड्स, आइसोलेशन बेड्स, और करीब 11,500 जो उसमें आईसीयू बेड्स भी उन्होंने प्रिपेयर किए हैं। और मैं आप लोगों को दृष्टि में लाना चाहता कि यह फिगर दिन प्रतिदिन हम बढ़ाते जा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन इवेंचुअलिटी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के असर पर भारत सरकार के दो मंत्रालयों के बीच विवाद अब थम गया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक हाल ही में विदेश मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी का हवाला देते हुए कहा था कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो 15 अप्रैल तक हमारे पास 8,20,000 केस होते, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमारे पास मौजूदा समय में 6,000 ही मामले हैं। बाद में सवाल जवाब के दौरान जब उनसे आंकड़ों की प्रामाणिकता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये आईसीएमआर की स्टडी पर आधारित है। हालांकि जब इसी आईसीएमआर की रिपोर्ट के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। फिर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लव अग्रवाल ने ये कहा कि लॉकडाउन नहीं होने पर अब तक देश में 2,00,000 कोरोना के केस होते, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 घंटे बाद एनआई ने लव अग्रवाल के हवाले से करेक्शन छापा कि लॉकडाउन नहीं होता तो 15 अप्रैल तक देश में 8,20,000 केस होते। आपको सुनवाते हैं कि कैसे शनिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लव अग्रवाल ने 2,00,000 केस होने की बात कही थी। हमारी ट्विन स्ट्रैटेजी है, एक तरफ हम सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को प्रमोट करें और दूसरी तरफ उसके साथ ही हम कंटेनमेंट मेजर्स पे भी अपना काम करें। तो उन दोनों मेजर्स को जब हमने 25 मार्च से लेना शुरू किया है तो हम लोगों ने देखा है कि केसेस में काफ़ी कमी महसूस की गई है। तो अगर आप आज के इस एनालिसिस को एक्स्ट्रापोलेट करके समझें तो आज जब हमारे पास 7,447 केसेज हैं तो शायद लॉकडाउन नहीं होता और हम उसी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेज से जूझ रहे होते तो हमारे शायद 45,000 केसेस हुए होते। और इसी तरह से अगर हम कोई भी मेजर ना लेते तो शायद हम 2,00,000 केसेस आज इस टाइम हम लोग ऑब्जर्व कर चुके होते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने की बात कही है क्योंकि कोविड-19 से निपटने के लिए अगले 2 सप्ताह काफी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल भी अप्रैल के अंत तक पाबंदियां जारी रखने के पक्ष में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने की बात कही है, हम केंद्र सरकार की इस बात से सहमत हैं। बनर्जी ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से सीमावर्ती इलाकों में कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि इस दौरान किसी भी तरह की आवाजाही नहीं हो। ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री से वित्तीय पैकेज की मांग भी की है। ममता ने केंद्र से राज्यों के लिए 10,00,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करने के लिए कहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी स्कूल और कॉलेजों को 10 जून तक बंद रखने का ऐलान भी किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का असर धीरे धीरे घटता जा रहा है। गृह मंत्रालय का कहना है कि ममता सरकार ने लॉकडाउन के दौरान धार्मिक जमावड़े की इजाजत दी, लॉकडाउन के दौरान ही गैर जरूरी चीजों से जुड़ी दुकानों को खोलने की भी इजाजत राज्य सरकार ने दी है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान दवा, किराना, सब्जी जैसी जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया है।
उधर धारावी में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर कई सोसाइटी और गलियों को सील कर दिया गया है। पुलिस के साथ साथ कुछ समाज सेवक भी यहां लॉकडाउन का पालन कराना चाहते हैं, लेकिन लोग पालन नहीं कर रहे। दरअसल धारावी में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोग रहते हैं, अब ऐसे में उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। यही वजह है कि अपनी भूख मिटाने के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और कोरोना का शिकार हो रहे हैं। समय रहते प्रशासन गंभीर नहीं हुआ और लोग जागरूक नहीं हुए तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। वहीं एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती धारावी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद लोगों की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। महाराष्ट्र मेडिकल एसोसिएशन के 150 डॉक्टरों की टीम इस प्रक्रिया में मुंबई नगर निगम के कर्मचारियों की मदद कर रही है। बता दें कि धारावी में अब तक कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मरीजों की तादाद 20 से ज्यादा हो गई है। बढ़ते मामलों की वजह से प्रशासन ने तय किया है कि धारावी में मौजूद हर शख्स की हर 10 दिन में स्क्रीनिंग होगी। हम डॉक्टर लोग सब बीएमसी स्टाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, डोर टू डोर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। ये डोर टू डोर स्क्रीनिंग में हम लोग ये देखेंगे कि पेशेंट को कोई बुखार की कफ कोल्ड की हिस्ट्री है क्या, पेशेंट को कोई कोरोना वायरस के कॉन्टेक्ट में आया हुआ है क्या, या पेशेंट कुछ ट्रैवल करके आया हुआ है क्या। अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग वो पेशेंट को सेपरेट करेंगे और उसका तपास करके ले लेंगे। बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में 13 धार्मिक स्थलों से 102 लोगों में से 52 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एनआई के अनुसार चांदनी महल इस इलाके में कोरोना से 3 लोगों की 3 दिन में मौत भी हो चुकी है। 6 अप्रैल को इन लोगों को चांदनी महल इलाके की अलग अलग धार्मिक स्थलों से निकाल कर गुलाबी बाग में क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। 52 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद डीएम ने सख्त आदेश दिए हैं कि पूरे इलाके को तुरंत सील किया जाए और जरूरी सामान घर तक पहुंचाने के लिए बोला गया है। वहीं पूरे इलाके को सैनिटाइज करने को भी कहा गया है। उन लोगों को भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है जो इनके कॉन्टैक्ट में आए हैं। ये भी कहा गया है कि इलाके के लोगों का डोर टू डोर सैंपल लिया जाए। आपको यहाँ बता दें कि दिल्ली में कोरोना से 903 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 14 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 6 और इलाकों को सील करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय राजधानी में पहले से ही 24 इलाके सील हैं। 6 नए इलाकों के साथ ही दिल्ली में सील हुए एरिया की संख्या बढ़कर अब 30 हो गई है। इन इलाकों में बिल्कुल कर्फ्यू जैसे हालात हैं। शुक्रवार रात को सील किए गए इलाकों में नबी करीम, GTB एन्क्लेव का ई पॉकेट, जाकिर नगर के स्ट्रीट नंबर 18 से 22, अबू बकर मस्जिद के आसपास का इलाका और जाकिर नगर का इलाका शामिल है। दरअसल लॉकडाउन में दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीदारी की छूट रहती है। लोग सब्जी, राशन और दवा खरीदने के लिए घरों से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन सील करने के बाद वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लोगों को जरूरी सामान मांग पर उनके घर पर ही मुहैया कराया जाता है। यहाँ तक कि सील में बैंक और दवा की दुकानें भी बंद रहती हैं। इन इलाकों में ना तो कोई बाहर से आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। वक्त यहाँ पे छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। 20 मिनिस्टर्स फोकस हार्ड वर्किंग विद फोरसाइट हैविंग द बेस्ट इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक एक्सपर्टीज are more important than one charismatic prime minister. But the most disturbing thing which we saw during this lockdown period was the manner in which religion was injected into this coronavirus. We might be able to eradicate the coronavirus, but eradicating the communal or the majoritarian virus, I think will take much longer. We saw Janta curfew, then we saw people lighting candles. It's almost like an event, not resulting in anything which is very concrete. Yeah, put pride and partisanship aside. ये पूरा देश का मामला है, एक पार्टी का मामला नहीं है, ये भक्ति का मामला नहीं है। The term PM cares looks very self-aggrandizing. There was no need for a new prime minister's cares fund to personalize even relief. This is not just, you know, promoting a personality cult. It's antithetical to federalism. देखिए ऑन रिकॉर्ड इतिहासकार रामचंद्र गुहा के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर।
लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस भी पूरी सतर्कता बरत रही है। पूंछ जिले में पुलिस ड्रोन के जरिए लॉकडाउन की मॉनिटरिंग कर रही है। ड्रोन के जरिए पुलिस इस बात की निगरानी कर रही है कि कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। यहाँ अब तक 4 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोग ठीक भी हुए हैं। लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए हम हर एक मैकेनिज्म जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। जहाँ पे हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी स्कैटर्ड है, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हमारी रीच नहीं है, हमारे पास उतनी मैन पावर नहीं है। तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, जिसमें हमारे पास ड्रोन जो है वो हमें प्रोवाइड किया है पुलिस हेडक्वार्टर ने, उसको यूज़ करके के हम काफ़ी सारे एरिया को कवर कर सकते हैं, उससे निगरानी रख सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि कहाँ पे वायलेशन हो रही है और ये वायलेशन कौन कर रहा है। लॉकडाउन की वजह से सूरत में फंसे कई प्रवासी मजदूरों ने शुक्रवार की रात तोड़फोड़ की और वाहनों को आग लगा दी। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि ये लोग अपने घर लौटने के लिए इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं और अपना देय भुगतान भी जल्द दिए जाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि सूरत के लसगन इलाके में अनेक लोग सड़कों पर उतर आए और ठेलों में आग लगा दी। उन्होंने मांग की है कि उन्हें अपने गृह स्थान जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। अधिकारियों ने कहा है कि हालात अभी फिलहाल काबू में है। पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन में शामिल कुछ प्रवासी कामगारों को हिरासत में भी लिया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हुए कामगार अपने अपने गांव जाने की इजाजत देने की मांग कर रहे थे। साथ ही उन्होंने जहां जहां काम किया है उसकी मजदूरी उन्हें नहीं मिल रही है, इसके चलते वे खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके हैं। इस दौरान गाड़ियों में भी आग लगाई गई है। तोड़फोड़ करते मजदूरों ने घर वापस भेजने और बकाया भुगतान करने की मांग की है। शाम को 7 सवा 7 के आसपास यहाँ जो लोग रहते हैं, वर्कर लोग रहते हैं, उन्होंने ये रोड पे पत्थर और जो रिक्शा होती है या लारी होता है वो रख के रोड को ब्लॉक किया था। और प्राइमरी पुलिस आ गई थी पहले ही और थोड़ा पत्थर मारा उन्होंने, स्टोन पेल्टिंग किया, फिर पुलिस आ गई और सब कंट्रोल कर लिया है। अभी 60 से 70 के आसपास आदमियों को डिटेन किया हुआ है और बाकी कॉम्बिंग की कार्यवाही चालू है और आगे जो भी गुनाह होगा वो दाखिल किया जाएगा। उनकी डिमांड क्या थी, क्यों इसलिए? अभी प्राइमरी ऐसा लग जो हमको पता चला है उसके मुताबिक उनको घर वापस जाना है, वही उनकी प्राइमरी डिमांड है। वहीं गुजरात में कोरोना वायरस के 54 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ गुजरात में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 432 हो गए हैं। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में गुजरात में 1593 टेस्ट किए गए, जिसमें से 1187 टेस्ट नेगेटिव आए हैं, जबकि 124 टेस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं 282 टेस्ट की रिपोर्ट फिलहाल पेंडिंग है। अहमदाबाद और वडोदरा में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा 228 और 77 मामले सामने आए हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर कोरोना वायरस का एपिसेंटर बन गया है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने बुलेटिन जारी किया है। इंदौर में कोरोना वायरस के 14 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 3 और मरीजों की मौत हो गई है। इंदौर में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 249 हो गए हैं। कोरोना वायरस से इंदौर में 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 2 डॉक्टर शामिल हैं। वहीं 13 अन्य मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। अच्छी बात यह है कि 28 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। 14 लोगों की पॉजिटिव होने की सूचना प्राप्त हुई है, उन्हें जोड़ने के बाद 249 लोग 249 लोगों को पॉजिटिव रिपोर्ट्स हमारे पास इंदौर में आ चुकी है और डेथ का जो कल का आंकड़ा था वो आज बढ़कर 30 हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में फंसे मध्य प्रदेश के 24 छात्र छात्राओं की मदद करने की मांग की है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि किसी छात्र छात्राओं में कोरोना के लक्षण नहीं है और महाराष्ट्र में बढ़ते केस के चलते वे डरे हुए हैं। उनके अभिभावक उन्हें घर लाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि उन्हें औरंगाबाद से लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से बात कर एक कर्फ्यू पास वाली बस की व्यवस्था की जाए। मध्य प्रदेश को पूर्व
मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान सस्ती लोकप्रियता के लिए झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवराज सिंह ने आइफा को लेकर जो बयानबाजी की है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए की जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने आइफा अवार्ड के लिए जुटाई गई रकम को मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल दिया है। शिवराज सिंह ने इसे औचित्यहीन और तमाशा भी करार दिया था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व की कमलनाथ सरकार ने इंदौर में प्रस्तावित आइफा अवार्ड के लिए 700 करोड़ आवंटित किए थे, जिसे शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कर दिए हैं। के भी दो वीडियो आए, उन्होंने उन अलग अलग तरीके से दानदाताओं का दिया हुआ 40 करोड़ में इसमें खर्च करूंगा, उनसे मांगूंगा। फिर एक अखबार की खबर आई कि 700 करोड़ रुपए जो खर्च होने थे वो इसमें खर्च होंगे। साथियों, विजन और टेलीविजन, शिवराज सिंह और कमलनाथ, अंतर क्या है ये समझने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति जिसने आइफा को आमंत्रित किया, पूरा खर्च आइफा उठाएगा, उसकी मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग होगी और इससे आने वाली इनकम मध्य प्रदेश की समृद्धि में काम आएगा, जो लगभग 700 करोड़ रुपए के आसपास थी और मध्य प्रदेश का एक पैसा भी नहीं लग रहा था, कोई बजट में इसका प्रोविज़न नहीं है। फिर भी हमारे टेलीविज़न वाले मुख्यमंत्री जी ने सस्ती लोकप्रियता के लिए ये कहा कि उस पैसे को मैं इधर खर्च करूंगा। स्पष्ट करें शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आप अभी सरकार में हैं, कौन से बजट में इसका प्रोविज़न था, कितना पैसा इसके लिए एलोकेट किया गया था। कोरोना का कहर पूरी दुनिया पर टूटा है। अब दुनिया भर में इस वायरस के संक्रमण से करीब 16,99,632 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से करीब 1,02,734 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित करीब 3,76,330 लोग सही हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से 5,00,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। अमेरिका में 18,747 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्पेन में 1,58,273 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। यहां 16,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान कोरोना वायरस के चलते गंवा चुके हैं। वहीं इटली में भी हालत काफ़ी ख़राब है। यहां करीब 147,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इटली में अब तक करीब 19,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं फ्रांस में भी 125,000 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। फ्रांस में 13,000 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में कोरोना से करीब 122,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। यहां 2,007 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इंग्लैंड में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। यहां 73,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इंग्लैंड में 8,900 लोग अब तक अपनी जान कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। वहीं पाकिस्तान में भी कोरोना के 4,695 मामले सामने आ चुके हैं। यहां 66 लोग अब तक अपनी जान कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। अमेरिका में कोविड 19 महामारी की वजह से 40 से ज्यादा भारतीय अमेरिकियों की मौत हुई है, जबकि भारतीय मूल के 1500 से भी अधिक लोग इससे संक्रमित हैं। कोविड 19 के नए केंद्र के तौर पर उभरे अमेरिका के भारतीय समुदाय के नेताओं ने यह जानकारी दी है। अमेरिका दुनिया का पहला देश बन गया है जहां एक दिन में कोविड 19 से 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के आंकड़ों के मुताबिक यहां बीते 24 घंटों के दौरान 2,108 लोगों की जान गई है, जबकि देश में 5,00,000 से ज्यादा लोग फिलहाल संक्रमित हैं। भारतीय समुदाय के नेताओं से जुटाई गई जानकारी के मुताबिक न्यू जर्सी राज्य में एक दर्जन से ज्यादा भारतीय अमेरिकियों की जान चली गई है। इनमें से अधिकतर जर्सी सिटी और ओक ट्री रोड के लिटिल इंडिया इलाके के आसपास के मामले थे। एक तरफ जहां दुनिया भर के देश और वहां की सरकारें कोरोना वायरस महामारी के संकट के दौर में अपने नागरिकों को हर संभव मदद पहुंचाने में जुटी है, वहीं पाकिस्तान को विदेश में फंसे अपने नागरिकों की परवाह नहीं है। दुबई में पाकिस्तानी नागरिकों ने इमरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोरोना वायरस की वजह से यूएई में नौकरी गंवा चुके सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिकों ने दुबई में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग पाकिस्तान सरकार से इन्हें वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ना तो अभी तक किसी फ्लाइट का इंतजाम किया गया है और ना ही किसी तरह की सहायता की गई है। दुबई में पाकिस्तानी दूतावास की तरफ से सिर्फ खोखले आश्वासन दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के कारण यूएई में 10,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों की नौकरी जा चुकी है।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-2602। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, इसकी असलियत जहानाबाद से सामने आई है। एक मजबूर माँ गुहार लगाती रह गई लेकिन उसके पास एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच सकी, जिसका नतीजा ये निकला कि उसके मासूम बच्चे की मौत हो गई। लेकिन इस दर्दनाक खबर का अंत यही नहीं हुआ। जब बेटे के शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत थी, तब भी पीड़ित परिवार को एम्बुलेंस नहीं मिली। गोद में बेटे का शव था, माँ चीख चीख कर गुहार लगा रही थी लेकिन एम्बुलेंस की सुविधा उसे नसीब नहीं हुई। और ये पूरी घटना घटी जहानाबाद के कुर्था अस्पताल में। इस पूरे मामले में 7 कर्मचारियों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। बुखार खांसी अब हफनी था, हम दिखाए कुर्था हॉस्पिटल में, वो रेफर कर दिए, रेफर करे आए, 2 घंटा हो गया। डॉक्टर साहब बोले कि ऑक्सीजन लगा के जाओ एम्बुलेंस में। हम गए, बोले कि भैया थोड़ा सा जल्दी कीजिए, मेरा सीरियस पोजीशन में है बच्चा। वो बोले कि नहीं है गाड़ी, आ गाड़ी लगल है, 2-2, 3-3 गो एम्बुलेंस ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। कैसे आप जाइएगा? टेम्पू से आए थे। अब जाइएगा कैसे, पैदल जा रहे हैं? हाँ पैदल जा रहे हैं। हाँ पैदल जा रहे हैं। तो क्या एम्बुलेंस आपको नहीं मिला? नहीं एम्बुलेंस नहीं मिला, नहीं मिला एम्बुलेंस, नहीं मिला। इसकी सूचना तो हमें नहीं है, अभी तो सिविल सर्जन आए थे, फिर हम उनसे पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसके तो सख्त निर्देश दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, ये तो अभी कोरोना का संकट चल रहा है, आम दिनों में भी कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट यदि कहीं आता है और उसको कहीं रेफर करना है तो हम लोग उसको तुरंत एम्बुलेंस से भिजवाते हैं। ऐसा कैसे हुआ है, क्या हुआ है, और उस समय जो ड्यूटी डॉक्टर थे या जो हमारे मैनेजर वहाँ पे, उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करें। देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है, लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने की अपील की जा रही है। लेकिन कर्नाटक के तुमकुर में BJP विधायक ने सरेआम लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई। BJP विधायक M. जयराम ने सैकड़ों समर्थकों के साथ अपना जन्मदिन मनाया, बाकायदा बर्थडे केक काटा। तुरुकवेर इलाके में विधायक M. जयराम के जन्मदिन के जश्न में बच्चे भी शामिल हुए, जबकि कोरोना वायरस के चलते बुजुर्गों और बच्चों को खास तौर पर घरों में रहने की हिदायत दी गई है। लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं लेकिन नेता ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे। नवी मुंबई पुलिस ने रायगढ़ जिले के पनवेल नगर निगम के BJP पार्षद अजय बहिरा को लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अजय पर लॉकडाउन के दौरान दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी करने का आरोप है, हालांकि पुलिस ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण रोकने को लेकर जहां पूरे देश में लॉकडाउन है, वहीं बिहार में लॉकडाउन के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें युवा JDU के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल गौरव अपने दोस्त के साथ जमकर शराब पीते और डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में विशाल गौरव के हाथ में शराब की बोतल है और वो फिल्मी धुन पर मस्ती में नागिन डांस करते दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी ये वीडियो पोस्ट किया है। ये मामला और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस ट्वीट को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए CM नीतीश से कार्रवाई की मांग की है। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कानून का उल्लंघन करने वाला ये शख्स अगर गिरफ्तार नहीं होता तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि सरकार स्वयं इस कानून का उल्लंघन कर और करवा रही है। हालांकि वीडियो की वजह से हो रही फजीहत को देखते हुए JDU ने आनन फानन में विशाल गौरव को पार्टी पद से हटा दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली रिलायंस मेगा पावर प्लांट का एश डैम टूटने से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 4 लोग लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। डैम टूटने के बाद राख युक्त पानी में वहां कई एकड़ जमीन को अपनी जद में ले लिया था, जिससे
पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, कई परिवार पानी में फंस गए। सिंगरौली जिला प्रशासन के आदेश के बाद एनसीएल की कुछ गाड़ियों की मदद से राख हटाने का काम शुरू हो गया है। वही दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में एक शेल्टर होम में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। शेल्टर होम में कई बेघर और बेसहारा लोग रहते हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को आग बुझाने में मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को शेल्टर होम में खाना बांटने के दौरान हंगामा हुआ था। इसके बाद एक शख्स का आज शव बरामद हुआ, जिसके बाद शेल्टर हाउस में रहने वाले लोगों ने हंगामा काटा और शेल्टर हाउस में आग लगा दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मामला शांत करने गई पुलिस कर्मियों के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला सुराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।